नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। सिरसा जिला के गांव गुड़िया खेड़ा के एक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, वो वन विभाग सिरसा की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। जी हां, वो उस व्यक्ति को ऐसे हालात में है कि अब वो कमाने की बजाय घर वालों के लिए एक बोझ बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये जो पूरे मामले की अगर बात की जाए तो सिरसा जिला के गांव गुड़ियाखेड़ा निवासी ताराचंद, जिसके घर के अंदर उसके तीन बेटियां हैं, उसकी पत्नी है, माँ बाप और एक बड़ा भाई है, और इन सब का जो परिवार का पूरा पालन पोषण है वो सिर्फ और सिर्फ ताराचंद पर था, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है उसके दोनों हाथों के अंदर पहले के चोट लगी हुई है, इसलिए वो कोई काम धाम नहीं कर सकता, और माँ बाप जो है वो बूढ़े हैं, और ऐसे में उनके घर की हालात किस तरह की होगी वो आप पीछे की जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे आपको सहज तरीके से अंदाजा लग सकता है कि क्या हालात उस परिवार की, उस घर की है। तो ऐसे में अब वन विभाग की भेंट किस तरह से चढ़ा है, उसकी वजह से किस तरह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि ये जो है वो बेड पर अब लेटा हुआ है पिछले एक सप्ताह से। दरअसल मामला है 6 मई का। 6 मई को जो ताराचंद है वो बकरियां वाली से गुड़ियाखेड़ा गांव की तरफ अपने घर पर आ रहा था, तो रास्ते में काफी तेज तूफान चल रहा था। ऐसे में जैसे ही वो पैदल वहां से गुजर रहा था रास्ते से, तो एक सूखा ठूंठ पेड़ जो कि लंबे समय से वहां पर खड़ा था, लेकिन अचानक जैसे ही ताराचंद वहां से गुजरने लगा तो उस पर जो पेड़ है वो उस पर आ गिरा, और उसके बाद उसको जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहां पर उसको बताया गया कि उसके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो चुका है, और उसके बाद उसका पूरा का पूरा जो शरीर है वो पीछे पूरा जो नीचे तक जो है, कमर से नीचे तक वो पूरा सुन्न हो चुका है, यानी कि उसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो चलिए बात करते हैं ताराचंद से, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, पूरा विस्तार से उनसे जानते हैं। क्या कुछ हुआ था, कब की घटना है ये? 6 मई के जो बकरे वाली से पैदल आ रहा था गुड़िया से, अच्छा, रास्ते में तूफान आने की वजह से सूखा पेड़ मेरे ऊपर गिर गया, अच्छा, उसी वजह के कारण मेरे कमर में चोट लगी, चोट लगने के बाद पैर में सुन्न हो गई। अच्छा, पूरा अब सुन्न है पूरा? हाँ, शरीर में सारे में सुन्न है, कमर से नीचे, कमर से नीचे नीचे सारे में सुन्न है। तो वजह जो है वो पेड़ गिरा है क्या, उसमें कोई क्या वजह हुई है, पेड़ गिरा कैसे था? सूखा पेड़ था, वो बहुत दिनों से खड़ा था। अच्छा, तो आपके इनकम सोर्स क्या है, घर में आमदनी का क्या स्रोत है? आमदनी का ये चिनाई का मिस्त्री था, वो कुछ नहीं, वो बंद हो गया। घर में कितने सदस्य हैं आपके? सदस्य हमारे 3 लड़की है, 2 हमारे, 2 माँ बाप और 1 भाई है। तो ये जो घटना स्थल है वो यही है, और ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं, हालांकि इसके आसपास आग लगी हुई थी और थोड़ा सा ये जो ऊपर का हिस्सा है वो ही बचा हुआ था, और ये इतना बड़ा जो दूसरी साइड में पेड़ है वो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पेड़ है वो उस युवक के कमर पे गिरा, और उसकी वजह से उसके जो हालात हैं वो आपने देख ही लिए हैं कि इस तरह से ये हालात हुए हैं, और बाकायदा इस पे ये आग से पूरा का पूरा इसमें जला हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही की बात है वो ये है कि जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने बिल्कुल इसको संज्ञान नहीं लिया गया, ना तो उन्होंने जो आग लगाने वाले लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई की, ना इस पेड़ को जो बिल्कुल अटका हुआ था, जो सूखा हुआ था, उसको यहाँ से उठाने की, हटाने की जो है जो वो जहमत नहीं उठाई, और उसकी वजह से इस तरह से एक जो परिवार है उसका इनकम का जो सोर्स है वो बिल्कुल फ़िलहाल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और उसका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे में अब जो उसके घर के सदस्य है वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। हालात जब नाजुक है, एक हमारे घर में भाई मशीन नहीं थी जो हमारे सारा ने गुजारा कराऊ थी, 3 टाबर है जीविंग है, 3 छोरियाँ हैं, और सारो भी पर हमारा घर चलते जी, ठीक है, सारो नुकसान है, सरकार की वजह हुई है जी। अब जो सरकार जी की करना चाहे, एक तो सरकार जी है वन विभाग वाला है, दुआ नुमाइंदा छोड़ रखे काम में, एक लकड़ी ले लिया अपना जगह दाग खातर तो चक लिया, जब तो जी कुरुक्षेत्र केस कर देगा, आ ऊपर पड़ गई, आ ले जाए घरे बाढ़ गई, आपको टाइम पास कर लेगा। तो ये जो नुकसान हुआ है वो इस पेड़ की वजह से हुआ है? हाँ जी, ये इस पेड़ की वजह से हुआ है जी, वन विभाग की तरफ से हुआ है सारा जी, ये लापरवाही बरत रही है जी सर। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से मांग यही है जी, हम गरीब आदमी हैं जी, मिस्त्री मजदूरी से काम चलाते थे, अभी हमारे कुछ इन बच्चों की तरफ से कोई हालात देखा जाए और मेरे भाई की तरफ से देखा जाए।
तो अब जो राहगीर हैं जिन्होंने उस ताराचंद को निकाला था पेड़ के नीचे से और उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया था, तो वो लोग हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? महावीर जी। क्या कुछ आपने देखा था, क्या कुछ हालात थे, किस वजह से ये जो हादसा हुआ था यहाँ पर, वो क्या वजह थी? मैंने तो फ़ोन किया था। अच्छा। फ़ोन करने के बाद मैं गाड़ी लेके आया। अच्छा। गाड़ी लेके आया ना, जब पेड़ तो साइड में था और मैं लेके सिरसा फूक गया। नहीं तो ये वजह हुई है, वो इस पेड़ से ही हुई है? हाँ, पेड़ से हुई है, पेड़ जला हुआ था। अच्छा। और वो अचानक ऊपर गिर गया? हाँ, अचानक ऊपर गिर गया और मैं आया ना, पेड़ डटा रखा था। डॉक्टर को भाई है मई पाल, वो 5-4 दिन और मौका था। तो पेड़ी पड़ी है, क्या कारण उसके पेड़ी पड़ गिरी है, विंगो क्या कारण है? अबलेड़ी आंधी आई, आंधी आई जाओ ऊपर सुकेड़ी पेड़ी और आंधी आई, हवा तेज आई जा। क्या कुछ देखा था आपने यहाँ पे? मैं उस दिन गांव से आया था पकड़ बैंक में जाने के लिए और आगे देखा तो ये पेड़ी पड़ी हुई थी, हमारे गाँव का सेफ्टी नाम का आदमी था उसके ऊपर पड़ी हुई थी, ताराचंद नाम है, और 2-4 बंदे आ रहे थे और मैंने और मेरे साथ एक दो जने होते, उन्होंने पेड़ी हटाई थी। तो मतलब पेड़ जो ऊपर गिरा है उसकी वजह से चोट लगी है? हाँ, उसी की वजह से चोट गिरी। तो जिस तरह से जो पेड़ गिरा था व्यक्ति के ऊपर और उसके बाद उस तरह के कई जगह पर ऐसे पॉइंट बने हुए हैं, एक्सीडेंटल पॉइंट बने हुए हैं, और उसी तरह का एक पॉइंट जो है ये आप देख सकते हैं, ये सरकारी पेड़ है और इसके नीचे जो आप हैं ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसकी जो जड़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और कभी भी ये हादसा हो सकता है। और जिस तरह से ताराचंद को नुकसान हुआ है, इस तरह से किसी और व्यक्ति पर, किसी और राहगीर के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, और न केवल ये इस तरह की एक दो नहीं बल्कि ये पूरे रोड पर, अगर पूरे इस चोपटा एरिया की अगर बात करें तो ऐसे सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल सूख चुके हैं, जिनकी जड़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ से हटाया नहीं गया है और उस वजह से लोग जो हैं हादसे का शिकार होते रहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस तरह की हमारी इस खबर के बाद में क्या वन विभाग के अधिकारी इस संबंध में कोई संज्ञान लेंगे और इस तरह के जो पेड़ हैं, जो एक्सीडेंटल पॉइंट बने हुए हैं, उनको यहाँ से हटाने का काम करेंगे। तो ये स्थिति है, ये हालात है, मौके पे आपको हमने दिखाया है कि किस तरह से वन विभाग की लापरवाही की वजह से एक जो परिवार का एकमात्र जो कमाई करने वाला जो व्यक्ति था, उसके हालात आपको हमने दिखाए हैं। तो ऐसे में अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं इसमें जो भी जिम्मेवार हैं अधिकारी, जो भी कर्मचारी इसके जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई जिला प्रशासन के माध्यम से जो संबंधित विभाग है उससे करवाई जानी चाहिए। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।